एक प्रश्न उन भेड़ियों से, उन सांपों से, या मैं कहूं उन दरिंदों से, क्या करेंगी बेटियां, कैसे बचेंगी बेटियां? सरकार के पास केवल अफसोस है किंतु समाधान नहीं। जी आपको बता दें, राजधानी की है घटना। जयपुर शहर के मोती डूंगरी से एक एम्बुलेंस चालक ने महिला को खाना खिलाने के नाम पर गाड़ी में बैठाया, किंतु अगर मैं बात करूं खाना खिलाने के नाम पर उसने अपने दोस्त के साथ जेएलएन रोड पर महिला के साथ बारी बारी किया दुष्कर्म, जिसने मानवता को झंझोड़ कर रख दिया है, मानवता को शर्मसार कर दिया है। कौन लेता है इसकी जिम्मेदारी? कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों प्रशासन अभी भी महिला सुरक्षा नहीं कर पा रहा है? क्यों आज इन विकराल परिस्थितियों में, जब पूरा भारत देश लॉकडाउन के डरों से अपने घरों में बैठा है, कोरोना के भय से अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है, किंतु उन लोगों का क्या जो रोजी रोटी की तलाश में, एक छत की तलाश में सड़कों पर घूम रहे हैं? ऐसी विकट परिस्थितियों में भी क्यों रेप केसेस में वृद्धि हो रही है? एक सीधा सवाल आवाज न्यूज 24 का प्रशासन से कि कब होंगी महिलाएं सुरक्षित? लॉकडाउन में एक महिला को खाना खिलाने के बहाने एम्बुलेंस में दिन दहाड़े गैंगरेप का मामला सामने आया है। यह वारदात 24 मई को जेएनएल मार्ग स्थित जानाना रोड पी बताई जा रही है, जिसका खुलासा 2 दिन बाद गुरुवार को हुआ। मामले में पुलिस ने एम्बुलेंस ड्राइवर और उसके दोस्त को जयपुर आगरा हाईवे पर कानूता से हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। दोपहर तक पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। फिलहाल पीड़िता का महिला के बयान और मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है। केस की जांच एसीपी गांधीनगर राजवीर सिंह चौधरी कर रहे हैं। वारदात में शामिल आरोपी का नाम सुरेंद्र योगी बताया जा रहा है, जो भरतपुर जिले में भुसावर का रहने वाला है। यही एम्बुलेंस चलाता है। वहीं गैंगरेप पीड़िता 22 साल की महिला मूल रूप से सवाई माधोपुर की रहने वाली है। पिछले लंबे अरसे से जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल के सामने फुटपाथ पर अपने पति के साथ खानाबदोश रहती है। उसका पति सब्जी बेचता है। सोमवार सुबह 11 बजे वह खाने लेने की तलाश में निकली थी, तब आरोपी सुरेंद्र योगी उससे मिला। वह खाना खिलाने के बहाने महिला को अपनी एम्बुलेंस में बैठा कर ले गया। पीड़िता को अकेला पाकर सुरेंद्र की नीयत बिगड़ गई। उसने त्रिमूर्ति सर्कल के पास दौसा के रहने वाले अपने दोस्त महेंद्र को एम्बुलेंस में बिठा लिया। इसके बाद दोनों महिलाओं को जेएलएन मार्ग पर ले गए। वहीं गांधी सर्कल से जानाना डूंगरी की तरफ जाने वाली रोड पर पहुंचे। वहां लॉकडाउन होने के कारण सड़कें सूनी पड़ी थी। ऐसे में सुरेंद्र और महेंद्र ने एम्बुलेंस में महिला के साथ गैंगरेप किया।